ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशि और आप देख रहे हैं बाउंड्री इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल यानी कि 9 दिसंबर में कौन सी हमारी वॉच लिस्ट होगी, कौन से स्टॉक बाइंग वाले होंगे, कौन से स्टॉक सेलिंग वाले होंगे और वो क्या है कि लॉजिक के साथ देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे हैं, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पांस मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ लर्निंग कर ले, कुछ नॉलेज लेना तो सिंपल सा तरीका है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो जो हमारा पहला स्टॉक है वो है बजाज ऑटो। अभी बजाज ऑटो क्यों है, तो बजाज ऑटो में आप देख रहे हो इधर आपको एक डबल टॉप जैसा बनता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में ये आपको क्या है कि ब्रेकआउट करके एक डाउन साइड देखने को मिले, लेकिन उसको ब्रेकआउट करने के लिए इसको नीचे जाना होगा। तो हो सकता है जब मंडे ये ओपन हो तब आपको इसमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिले। तो इसीलिए क्या है कि बजाज ऑटो मेरे सेल लिस्ट में, क्योंकि ऊपर की साइड आपको एक डबल टॉप दिख रहा है और आप इधर देख रहे हो तो एक आपको वॉल्यूम के साथ इन्वर्टेड हैमर जैसा देखने को मिला। तो हो सकता है कि इधर से इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला हो। तो बजाज ऑटो मेरे सेल लिस्ट में। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक है वो है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट क्यों है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था एस्कॉर्ट में सेल करके जाऊंगा, यही मेथड थी कि इसमें क्या है कि इसको ब्रेकआउट करके नीचे जाएगा। तो नेक्स्ट जैसे मैंने बताया तो उसके नेक्स्ट दिन तो अब चला गया, लेकिन उसके नेक्स्ट डे ये नीचे आ गया। तो आप जो मैं इधर से बोल रहा हूं तो उसको एक दिन सेटअप करके रखो, एक दिन में मतलब नेक्स्ट डे उसको निकाल मत दो, उसको थोड़े दिन रखो। क्योंकि जो हम सेटअप करते हैं वो ओनली नेक्स्ट डे के लिए नहीं होते, कभी कभी क्या होता है उसके नेक्स्ट डे ही आपको डाउन साइड देखने को मिल जाए। देखो ये कितनी बड़ी आपको अच्छी कैंडल देखने को मिली है, बाद में ये नीचे जा रहा है, तो हो सकता है कि और इसमें आपको गिरावट देखने को मिले। तो एस्कॉर्ट मेरे अभी भी मंडे के लिए सेल लिस्ट में होगा। उसके बाद का जो स्टॉक है वो बालकृष्ण इंडस्ट्री। अभी ये क्यों है, तो हाल फिलहाल मेरे को एक अप ट्रेंड में क्या है कि आपको इधर इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिले, बियर इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मेरे को मिले। तो हो सकता है कि जब मंडे मार्केट ओपन हो तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में आपको एक डाउन साइड देखने को मिले। सिंपल सा तरीका, इधर मेरे को इंगल्फिंग पैटर्न मिले और थोड़ा वॉल्यूम है, इसीलिए क्या है कि मैं इसको सेल साइड लेके जा रहा हूं। अगर इसने कंफर्मेशन के साथ आपको सेल साइड दे दी तब हम क्या है कि उसके अगले दिन भी इसको सेल साइड लेके जाएंगे। बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक क्यों है, तो आपको इधर पता ही है कि एक थोड़ा अप ट्रेंड बाद में ये क्या है कि डबल टॉप बना चुका है, अभी इसका ब्रेकआउट का टाइम है। अगर इसने ब्रेकआउट करके नीचे चला गया तो हम इसमें सेल साइड आएंगे, क्योंकि अभी क्या है कि ये नीचे जाने का सिग्नल भी दे रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है सेल साइड के लिए। तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में एक्सिस बैंक में आपको थोड़ी सी डाउन साइड देखने को मिले। उसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है IGL इंद्रप्रस्थ गैस। अभी IGL क्यों है मेरे लिस्ट पे, तो सिंपल सी बात है, आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिला है, बहुत अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला है, बाद में क्या उधर से रिवर्सल हुआ, उधर से रिवर्सल हुआ, मतलब एक डबल टॉप जैसे इसने पैटर्न बना दिए। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में ये आपको डाउन साइड देखने को मिले, क्योंकि इधर गैप भी था तो हो सकता है वो गैप फिलिंग करने भी आया हो। तो आगे आने वाले दिन में अगर ये जोन को ब्रेक करके नीचे चला जाता है तब आप इसमें सेल साइड एंट्री ले सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में रखे। अगर आपको ऐसा कोई सिग्नल मिलता है तो आप इसमें सेल साइड लेके जा सकते हो। बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्यों है, क्योंकि मेरे को इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रही है। देखो ये पहला आपका शोल्डर हो गया, बाद में हेड, बाद में फिर से दूसरा शोल्डर। तो हो सकता है इसका प्रॉपर ब्रेकआउट करके ये आपको मंडे डाउन साइड देखने को मिले। तो हो सकता है कि जो हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसमें थोड़ी सी डाउन साइड आपको देखने को मिले आगे आने वाले दिनों में। तो ये हो गया हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपको सेल साइड लेके जाने। बाद में हम उसके नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा जो है अदानी पावर। अभी अदानी पावर में भी आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रही है, लेकिन उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। एक बार प्रॉपर ब्रेकआउट देके ये नीचे चला जाता है तब आप इसमें सेल साइड आ सकते हो। शायद वो ब्रेकआउट मंडे भी हो जाए और उसके अगले दिन भी हो, तो आपको देखना पड़ता है। जब आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है तब आप इसमें सेल साइड जा सकते हो। इसके बाद जो हमारा आखिरी स्टॉक है वो है ग्लेनमार्क। अभी ग्लेनमार्क क्यों है, तो ग्लेनमार्क में क्या है कि एक आपको डाउन ट्रेंड में डबल बॉटम जैसी एक पैटर्न देखने को मिले, बाद में इसमें प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया, लेकिन क्या है कि सडनली ब्रेकआउट के कारण इसमें थोड़ी सी आपको क्या है कि रिट्रेसमेंट या पुलबैक जैसा बोल सकते कि वो देखने को मिला। तो हो सकता है अगर ये इस जोन को टच करके फिर से ऊपर जाने लगा तब हम इसमें बाय साइड आ सकते, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे चला गया तब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। इन सिंपल, अगर आपको मंडे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है
तब आपको इसमें बाइंग करनी है। तो ये हो गई हमारी ओर से क्या है कि इंट्राडे के लिए वॉच लिस्ट, आप मंडे कौन से स्टॉक लेके जा सकते हैं। उसमें बजाज ऑटो सेल साइड है, स्कॉट सेल साइड है, बालकृष्ण इंडस्ट्री सेल साइड है, बाद में एक्सिस बैंक सेल साइड है, बाद में IGL वो भी सेल साइड है, बाद में जो हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो भी सेल साइड, बाद में जो हमारा अदानी पावर है वो भी सेल साइड है, और जो लास्ट में था ग्लेनमार्क वो भी हमारी बाइंग साइड में है। तो ये था हमारी ओर से इंट्राडे वॉच लिस्ट, आप मंडे कौन से स्टॉक ले जा सकते हो। और देखो जो स्टॉक बाइंग वाले वो बाइंग में अपॉर्चुनिटी दे तब आपको बाय करना है, सेल वाले सेल में अपॉर्चुनिटी दे तब आपको सेल करना है। ऐसा ही नहीं होता मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ बाइंग वाले बाइंग में ले लिए, सेलिंग वाले सेलिंग में लेगी। जो भी स्टॉक आपको जिस साइड अपॉर्चुनिटी देता है उसको आपको बाइंग या सेलिंग साइड ले जाना है। तो क्या है कि ये बात आपको माइंड में रखनी है, ऐसा ही नहीं है कि आप अंधाधुंध ट्रेड कर रहे हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे वीडियो आके लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे सीरीज बनाए, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी एड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइज एक्शन भी एड करने वाले। तो प्लीज यारो अगर आपको कुछ सीखना है कुछ जानना है तो हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय जय हिंद।